तो गाइस देखिए, आज मैं आया हूँ फिर एक और खेत में डिश प्लाउ करने। ये देखिए पूरा खेत है, ये 2 से 3 बीघे के लगभग ये खेत है। इसमें उड़द की फसल थी, ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है बारिश नहीं होने की वजह से। ये देखिए बिल्कुल ख़त्म है, कुछ नहीं आ रहा इसमें, फली वली कुछ नहीं आ रही इसमें। और करता हूँ मैं स्टार्ट और निकालते हैं इस खेत को। पहले कुछ सेटिंग करनी है वो कर लेते हैं, इसके बाद करते हैं स्टार्ट। ये है टापलिंग, इसको थोड़ा और ढीला करते हैं, टाइट ज़्यादा है, इसको भी निकालना। सेटिंग हो गया है, इसको कर दिया इधर। ये देखिए सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब करते हैं स्टार्ट। और दिखाते हैं पूरा खेत जब तक निकलेगा, बीच बीच में दिखाता रहूँगा आपको। ये देखा अभी मुझे 15 से 20 मिनट हुए हैं और लगभग आधे घंटे से मैंने ज़्यादा कवर कर लिया है। बिल्कुल बहुत शानदार लग रहा है, खेत भी एकदम बढ़िया है, नहीं तो ज़्यादा गीला है और नहीं भी ज़्यादा सूखा है। बिल्कुल शानदार तरीके से चल रहा बनाऊँ, कोई भी कोई भी शंका नहीं है इसमें, बिल्कुल एकदम सही तरीके से चल रहा है। देखिए अभी तो इतना खेत बाकी है, बिल्कुल एकदम 1200 RPM पर चल रहा है, 1200-1300 RPM पर चल रहा है। चलिए देखिए, ये देखिए दोस्तों आधे खेत में प्लाविंग हो चुकी है, अब सिर्फ 1 घंटे से कम का समय और लगेगा। ये देखिए उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से शुरू में चला था, कोई लोड नहीं है ट्रैक्टर को। ये देखिए बिल्कुल 1200-1300 RPM चल रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं इस पूरे खेत को मैंने निकाल दिया है, सिर्फ 10 से 15 मिनट का काम और बाकी है और इसके बाद निकलते हैं अपने घर की तरफ। ये देखिए बिल्कुल निकल चुका है खेत, सिर्फ 10 मिनट का काम बाकी है इसमें और ये पूरा निकलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली गाइस इस पूरे खेत में प्लाविंग हो चुकी है और अब मैं निकल रहा हूँ अपने घर की तरफ। ये देखिए पूरे खेत में हो चुकी है, देखिए ये देखिए ये दूसरा खेत है, ये अलग है। देखिए अब मैं निकल रहा हूँ अपने घर। नमस्कार।